जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये मन है कि हमें हमारे भक्ति से अलग करने में लगा रहता है। ये मन की चंचलता एक साधक को समझना ही चाहिए। इंद्रियां मन को इस कदर वश में कर लेती है कि मन को सांसारिक सुख जब मिलता है तब वो अपनी भक्ति को ही भूल जाता है। इसलिए साधकों को अपने मन पर काबू पाना होता है, और मन पे तभी काबू पाया जाता है जब आप आत्मा में पूर्णता उतर जाते हो। इस युग में साधना भजन करना आसान नहीं है, क्योंकि मन संसार के जंजीरों में बंधा हुआ है। मन भजन में लगाओ तो भोगों की तरफ आकर्षित होता है और कहता है कि ये भोग दे दो तब हम प्रसन्न होकर के तुम्हारा साथ दे देंगे भजन में। और जब उस भोग को स्वीकार आप कर लेते हो तब अगले 24 घंटे में उसी में व्यस्त रहते हो, इसलिए आप भजन से विमुख हो जाते हैं। फिर बार बार पश्चाताप करते रहते हैं। फिर 2-4 दिनों बाद यही होता रहता है। इसलिए मन की चाल बहुत खतरनाक बताई गई है। अर्थात जब आप आनंदित होकर भजन करना प्रारंभित करते हैं, प्रारंभ इसलिए क्योंकि हर बार मन आपको गिरा देता है, तो प्रारंभ के पश्चात वो भोग अपनी वासना से आपको आकर्षित करता है। फिर आपकी बुद्धि आपको सलाह देती है कि इस भोग को भोग लो, फिर बाद में बिना रुकावट के भजन करेंगे। और यहाँ आप अपने क्षणिक भोग के लिए स्वीकृति देकर उसका आनंद उठाते उठाते आपके कई घंटों के भजन को आप स्वयं नष्ट कर देते हो। फिर आगे होने वाला भजन नष्ट हो जाता है। फिर आपके भीतर क्लेश, अशांति, द्वेष ये सब विराजने लगते हैं। तो ये चक्र चलता ही रहता है और हम बार बार हार जाते हैं। कोई बहादुर साधक ही मन की चाल को काटने में सक्षम होता है। तो जहाँ आपका मन भोगों की तरफ उत्साहित हो तो तुरंत उसे काट दो, मना कर दो और नाम लेते रहो। नाम में बड़ा सामर्थ्य होता है। बस यही करते रहो, आप एक दिन मन की चाल को काटने में सफल हो जाओगे और निरंतर भजन करते रहोगे। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।